अब करेंगे हम जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के बहुत अच्छे सवाल सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं और ये सवाल उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो हिमज्योति का टेस्ट देंगे या जो राजीव नवोदय का देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्न में से कौन सा एक अनवीनीकरण संसाधन है। देखिए संसाधन, नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, अनवीनीकरण या नॉन रिन्यूएबल उनको कहते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है जमीन के अंदर से निकलता है, तो जमीन के अंदर एक निश्चित मात्रा में है तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो यही जो है ना नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोल। और वायु, देखो वायु कभी समाप्त होगी, हवा नहीं हो सकती ना, बायोगैस भी कभी समाप्त नहीं हो सकती, और सौर, सौर सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं जो सूर्य से ऊर्जा बनाते हैं, तो सूरज कभी समाप्त होगा, तो ये रिन्यूएबल है, नवीनीकरण वाले हैं तीनों, और ये अनवीनीकरण वाला जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याकिनी रेफर टू, जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है। तो देखो जम्मू कश्मीर में एक मीट बनाने का तरीका है यखनी, मांस बनाते, तो एक मांसाहारी व्यंजन है ये, अ न॔न वेजिटेरियन डिश। टैडपोल इज द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल, लार्वा आयु में टैडपोल किस पशु से संबंधित है, किसका बच्चा टैडपोल होता है भाई, कोई बता सकता है। फ्रॉग का होता है, मेंढक का। टैडपोल उसको बोलते हैं जिसको गढ़वाल में डोंकी बोलते, डोंकी बोलते हैं ना, माछा पकड़ डोंक को, तो मेंढक का बच्चा होता है डोंका, मछली की तरह होता है लेकिन काले रंग का होता है। बर्ड्स लाइक काइट्स ईगल एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, चील गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं, 2 मीटर की दूरी से, 4 मीटर की, 8 मीटर की, 20 मीटर की। आपकी बुक में ये प्रश्न है, देखो अगर हम किसी वस्तु को 2 मीटर से देख सकते हैं तो जो ये चील गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी हैं ये हमारे 4 गुना देख सकते हैं, तो ये उसी चीज को जो है ना 8 मीटर से देख सकते हैं। तो मेरे शायद इस प्रश्न का आशय यही है कि हम तो 2 मीटर से जितनी चीज देखते हैं वही 8 मीटर से उसी चीज को देख सकते हैं, हमारे 4 गुना ज्यादा नजर इनकी तेज होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रदर अमंग पांडवाज, पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था भाई, बोलो। भीम, अर्जुन, युधिष्ठर, कर्ण। अर्जुन सबसे बड़ा नहीं था, युधिष्ठर सबसे बड़ा था, ठीक है ना। बिहू डांस बिलोंग टू विच स्टेट, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो बिहू जो है असम का नृत्य है। वही द प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी इज व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोफेशनल, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार के पेशेवर का है। देखिए ये जो लड़की है वहीदा प्रिज्म, इन्होंने जम्मू कश्मीर से MBBS की पढ़ाई करी थी और ये सेना में डॉक्टर है, ठीक है ना। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023, 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते गोल्ड मेडल, 38 जो है सिल्वर मेडल जीते और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे कांस्य पदक, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही होना था 28। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाई लंगूर वाइल वार्निंग अदर टू डेंजर, अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर कौन सी अंतर्दीय सक्रिय हो जाती है, अति इंद्रिय, ठीक है ना, कौन सी अति इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, दृष्टि, त्वचा, ध्वनि, गंध, साइट, स्किन, साउंड, स्मेल। तो ध्वनि से जो है साउंड करके संकेत देता है अन्य जानवरों को कि खतरा है, लियोपार्ड आ गया, ठीक है ना, जो भी जानवर है जिससे उनको खतरा होता है उसको ध्वनि से संकेत देता है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है, तो सबसे अधिक क्षमता इनमें से चींटी, खरगोश, बिल्ली, बंदर है, रैबिट, आंट, कैट, मंकी, तो इनमें से सबसे अधिक होती है आंट की। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि आंट जो है स्मेल से एक दो पूरी लाइन बना के चलती है, ठीक है ना, अगर आप इनकी लाइन ब्रेक भी करेंगे फिर भी वो स्मेल से अपनी लाइन को जोड़ लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी की रचनाकार कौन है,
बहुत पहले एक टीवी में आता है मालगुड़ी डेज नाम से, ठीक है ना। इसका एक जो रचनाकार है वो है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। अब खूंटी ईज, खूंटी क्या होती है? मिट्टी खोदने के लिए औजार होता है, मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंबा होता है, भोजन पकाने ये तो मिट्टी का बर्तन होता है। इनमें से क्या होती है? तो ये जो है ना मवेशियों को बांधने, जानवरों को बांधने के लिए आयरन पोल टू टाई कैटल, कैटल को बांधने के लिए खूंटी कहते हैं, जिसको तुम क्या कहते हो? किल्ला कहते हो, वही खूंटी है। यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर टू डेज द ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो? आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, दो दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, पानी कहां गया? वह वाष्पीकृत हो गया, इट इवेपोरेटेड। तो यही इसका आंसर होगा, वो वाष्पीकृत हो जाता है। अगर हम कटोरे पे गिलास में पानी रखेंगे सूरज के नीचे तो उसका भाप बनेगा, सूरज की गर्मी से उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन उसका हो जाता है। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा किसान का मित्र केंचुआ होता है, तो क्योंकि मिट्टी में मिट्टी को खाता है। फिर We mainly get energy to do work from. हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं, प्रोटीन से करते हैं, विटामिन से कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट से कि मिनरल्स। तो मैंने आपको बताया था जो ऊर्जा मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और एक फैट्स से, दोनों चीजों से मिलती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमको मिलता है। प्रोटीन से क्या मिलता है? हमारा शरीर मजबूत बनता है, शरीर की मरम्मत होती है, शरीर का निर्माण होता है। विटामिन से क्या करते हैं? हमको बीमारियों से बचाते हैं, और मिनरल्स भी बीमारियों से बचाते हैं। चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन्स बिकॉज, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चढ़ना कठिन होगा, क्योंकि जो मैदान में रहते हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, दिल्ली में जो रहते हैं वो यहाँ पहाड़ में आएंगे तो पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते वो लोग, तो क्यों नहीं चढ़ सकते? वे आलसी होते हैं, दे आर लेजी। द पथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, पहाड़ी रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। द पथ्स आर वेरी स्मूथ, पहाड़ी रास्ते स्मूथ होते हैं, सुगम होते हैं, पहाड़ों पर कोई परिवहन साधन नहीं होते। देयर आर नो ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल ऑन माउंटेन्स, तो इसका क्या होगा? हाँ, दूसरा वाला होगा, द पथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, पहाड़ी रास्ते जब पथरीले ऊबड़ खाबड़ होते हैं तो जो दिल्ली का उत्तर प्रदेश लखनऊ कहीं से बच्चा आता तो यहाँ पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे रास्तों पे कभी चला नहीं है, ठीक है। वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड, चार मीनार कहाँ स्थित है बताओ? जैसलमेर में, पौड़ी पुरी में है कि औरंगाबाद में कि हैदराबाद में? हाँ, वेरी गुड, चार मीनार जो हैदराबाद में है, मैंने आपको लिखाया था। अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है? तो मैंने बोला था 365 दिन पूरे लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं, तो 6 घंटे 24 का कितना हो गया? 24 में से 6 करो तो 6 कम 6 24, तो यानी 1/4 डेज और लगेंगे, 365 पूरे और 1/4 डेज और लगेंगे, तो 365 सही 1/4 दिन लगेंगे। Which of the following device is used to measure body temperature? निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो शरीर का तापमान जो डॉक्टर के पास होता है वो थर्मामीटर होता है। क्या? लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता मापता है। बैरोमीटर जो है वायु दाब मापता है। स्पीडोमीटर जो है गाड़ियों पे लगा होता है स्पीड मापने के लिए। How many spokes are there in the wheel placed in the center of the Indian flag? ये जो spokes हैं, तिलियां, कितने तिलियां होते हैं Indian flag के बीच में? 26, 24, 21, 28। 24 तिलियां होती हैं। भारतीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? Who wrote Ramayana? रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण जो है सबसे पहले लिखी है वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। Which solution is given when a person has vomiting and loose motion?
वॉमिटिंग कहते हैं उल्टी करने को, लूज मोशन यानी पेचिस। उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? मिल्क शेक, लेमन वाटर, फ्रूट जूस, साल्ट एंड शुगर। नमक नहीं, लेमन वाटर नहीं देते, नमक और चीनी का घोल देते हैं भाई। जो आप लोग को ORS बोलते हैं इसको, तो उसमें भी वही तो होता है, नमक और चीनी होता है, जो ORS डॉक्टर से पैकेट देता है उसको घोल के खाते हैं। तो साल्ट एंड शुगर बनाते हैं और उसको पिलाते हैं। विच वन ऑफ वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखो फूड प्रिजर्वेशन होता है निम्नलिखित में से क्या खाद्य संस्करण का प्राकृतिक तरीका नहीं है। प्राचीन काल से लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, मतलब जैसे जैसे आम के सीजन पे आम होता है तो हम क्या करते हैं उसका अचार बनाते हैं, रख देते हैं। तो आजकल आम नहीं तो आजकल भी हम खा रहे हैं, उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण। कुछ आप लोग क्या करते हैं गाँव में, जैसे आपके कूड़े होते हैं तो उनको लोग फोड़ करके धूप में सुखाते हैं तो उसका सुखसा बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते, उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो ये कौन सा तरीका प्राचीन काल से नहीं है सुखाना, खाद्य परिरक्षक मिलाकर नमक और चीनी की सहायता से अचार बनाना। देखो कुछ चीजों में हम खूब सारा नमक और चीनी डालते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जैसे चीनी का घोल में आंवले मुरब्बा बनाते हैं, तो प्राचीन तरीका क्या है, सुखाना वाला भी पूरा प्राचीन तरीका है, नमक और चीनी की सहायता से भी प्रिजर्व करना, साल्टिंग और स्वीटिंग की तरह से ये भी पुराना तरीका है, पिकलिंग यानी अचार बनाना ये भी पुराना तरीका है। लेकिन आजकल है ये नया तरीका है, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। आजकल क्या है, प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं, कुछ रसायन होते हैं उनको हम शीशी में डाल दें तो वो चीज खराब नहीं होती। तो ये नया तरीका है खाद्य परीक्षण उसका, खाद्य संरक्षण का, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव को ऐड करना। व्हिच लीव्स कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट। बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बों में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं? देखो भाई बीज के साथ रखते हैं नीम के, बनियान, बनाना, मैंगो, नीम के, बरगद का, केला के, आम के, हाँ नीम के पत्ते रखते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। हमारा जो जैसे बीज रखते हैं तो बीजों में नीम के पत्ते रखते हैं, बीज खराब नहीं होते, उसको कीड़े नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी डन विद वाटर दैट हैज बीन यूज्ड वंस। अगर किसी पानी को हमने एक बार यूज कर लिया तो उसका हम दोबारा उपयोग इनमें से किसमें नहीं कर सकते? जैसे हम नहा गए किसी पानी से तो फर्श पर पोछा लगाना, क्या उस पानी से हम मॉपिंग कर सकते हैं, फ्लोर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। चेहरा हाथ धोना, देखो चेहरा हाथ नहीं धो सकते कोई यूज्ड वाटर से हम दोबारा, क्योंकि इसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए चेहरा धोने के लिए, गंदा पानी से तो चेहरा नहीं धुलेंगे। पौधों को पानी देना, देखो वाटरिंग प्लांट्स यूजिंग इन द टॉयलेट, टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं, बाद में फेंक सकते हैं ना पानी जो थोड़ा गंदा होता है एक बार यूज किया हुआ पानी, या तो उसको मॉपिंग भी कर सकते हैं, फ्लोर को सफाई भी कर सकते हैं, पौधों को भी दे सकते हैं, लेकिन चेहरा या हाथ नहीं धो सकते। तो यही इसका आंसर होना था, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। तो इस तरह से ये 25 तक ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कैसे लगे आप लोगों को ये प्रश्न? तो ठीक है, तैयारी करो अगले वर्ष के लिए। ओके बाय।